हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? तो बेटा देखिए, यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है? और स्टोरी का नाम है द बॉय हु क्राइड वुल्फ, कि वो बच्चा, वो लड़का जो वुल्फ वुल्फ चिल्लाया, है ना, कि भेड़िया भेड़िया, है ना। तो हम ये वाली कहानी पढ़ेंगे। देखिए, वंस देयर वॉज ए शेफर्ड बॉय, कि एक बार एक गडरिया था, है ना, एक भेड़ चराने वाला लड़का था। यहाँ पर सेफर्ड का मतलब होता है गडरिया, जो भेड़ और बकरियों को चराता हो, चरागाहों में ले जाता हो, ठीक है। हु वॉज बोर्ड, अब वो जो लड़का था, सेफर्ड बॉय था बेटा, वो बोर हो गया। हम कई बार कहते हैं ना कि नहीं, हम बोर हो गए, कुछ चलो कुछ शो देखते हैं, है ना, कुछ मूवी देखते हैं, है ना, या फिर हम बोलते हैं कि पोगो देखते हैं, बोर हो गए, है ना। तो देखिए कि एक बार जो सेफर्ड बॉय था, सेफर्ड गडरिया लड़का था, वो बोर हो गया। ही सेट ऑन ए हिल, और वह पहाड़ी पर बैठ गया, है ना, वॉचिंग द विलेज शीप, और जो गांव की भेड़े थे ना, भेड़, देखिए वो पिक्चर में दिखाया हुआ है, भेड़ भेड़ और बकरी, तो गांव की जो भेड़े थी, जो चर रही थी वहां पर, है ना, उनको देख रहा था। ही थॉट ऑफ प्लेइंग ए प्रैंक ऑन एवरीवन। ही थॉट, उसने सोचा, है ना, थॉट ऑफ, उसने प्लान बनाया या सोचा, प्लेइंग ए प्रैंक ऑन एवरीवन, कि सभी को, मैं सभी के साथ एक शरारत करूं, है ना। उसने सोचा कि मैं गांव वालों से एक शरारत करूं, एक प्रैंक, एक मजाक करूं। ही शाउटेड वॉल्फ वॉल्फ, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया, द वॉल्फ इज चेजिंग द सीप, और जो भेड़िया है वो भेड़ों के पीछे भाग रहा है। चेज मतलब पीछे पीछे भागना, पीछा करना। द विलेजर्स केम रनिंग अप द हिल, और जो गांव वाले थे वो पहाड़ी पर बेचारे दौड़ दौड़ कर आए, है ना, भागे भागे उस पहाड़ी के ऊपर आए। बट व्हेन दे रीच द हिल, लेकिन जब वो पहाड़ी पर पहुंचे, देयर वॉज नो वुल्फ देयर, तो वहां पर कोई भेड़िया नहीं था। द बॉय लाफ्ड, वह लड़का हंसने लग गया। ही हैड मेड अ फूल ऑफ देम, क्योंकि उसने गांव वालों को मूर्ख बना दिया, है ना, उल्लू बना दिया, झूठ बोल दिया, है ना, बेवजह उनको वहां पहाड़ी के ऊपर बुला लिया। द विलेजर्स वेंट बैक इन एंगर, और जो गांव वाले थे ना, वो गुस्से में आकर वापस चले गए। एंगर, एंगर होता है गुस्सा, है ना, गांव वालों को गुस्सा आया और वापस चले गए। नेक्स्ट डे ही शाउटेड अगेन, और अगले दिन वह दोबारा से चिल्लाया, वॉल्फ वॉल्फ वॉल्फ, कि भेड़िया भेड़िया भेड़िया। द विलेजर्स केम रनिंग अगेन टू हेल्प हिम, और वो गांव वाले दोबारा से उसकी मदद करने के लिए आए, है ना, हेल्प होता है बेटा मदद, अगेन दोबारा, कि दोबारा से वो गांव वाले उसकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आए। व्हेन दे सॉ नो वुल्फ अगेन, और जब उन्होंने देखा कि वहां पर फिर से कोई भेड़िया नहीं है ना, दे गॉट फ्यूरियस, वो बहुत ही गुस्से में आ गए। ए वुमन सैड, और एक औरत ने तो कहा, वी हुड नॉट कम वैन इट कम्स, कि हम नहीं आएंगे यदि सच में ही भेड़िया आ जाता है ना, तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। क्यों कहा बेटा? क्योंकि द सेफर्ड बॉय हैड लाइड टू टाइम्स, क्योंकि उसने दो बार झूठ बोल दिया था सेफर्ड बॉय ने, है ना। बट द बॉय जस्ट ग्रिन्ड ऑफ देम, लेकिन वह लड़का जस्ट केवल ग्रिन, मुस्कुरा दिया, एट देम, उनकी ओर, लेकिन वह सेफर्ड बॉय उनकी ओर मुस्कुराने लग गया, ठीक है, कि मैंने झूठ बोला और ये बेवकूफ बन गए। वन डे अ रियल वुल्फ केम, और एक दिन सचमुच में ही रियल, बिल्कुल असली का, सचमुच का, वास्तविक भेड़िया आ गया। एंड ग्राउड एट द सीप, और ग्राउड होता है गर्जना, दहाड़ना, और भेड़ों पर दहाड़ने लगा। द सेफर्ड बॉय स्टार्टेड शाउटिंग वॉल्फ वॉल्फ वॉल्फ, और जो सेफर्ड बॉय था, गडरिया था, है ना,
भेड़े को चराने वाला जो लड़का था, जो भेड़ों को भेड़ बकरियों को चराता था, उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया भेड़िया भेड़िया, है ना। अब देखिए बेटा, बट द विलेजर्स डिड नॉट कम दिस टाइम, लेकिन जो विलेजर्स थे ना वो इस बार नहीं आए। इन द इवनिंग एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग फॉर द बॉय, और शाम को हर कोई उस लड़के को तलाशने के लिए आए, है ना। दे फाउंड हिम क्राइंग, तो उन्होंने देखा कि वह तो रो रहा था। गांव वालों ने देखा कि वह शेफर्ड बॉय रो रहा था। देयर रियली वॉज अ वॉल्फ हेयर, अरे यहाँ पर तो सच में ही एक वॉल्फ आया था। ही किल्ड माई सिक, और उस वॉल्फ ने, उस भेड़िए ने मेरी भेड़ों को मार दिया। द बॉय क्राइड, उस लड़के ने रो कर कहा। ए मैन सेड, और एक आदमी ने कहा, नो वन बिलीव्स ए लायर, कोई व्यक्ति भी एक झूठे आदमी पर विश्वास नहीं करता है ना। लायर, लायर होता है वन हु टेल्स लाई, जो झूठ बोलता हो, है ना। लॉयर, झूठा व्यक्ति, कि कोई भी झूठे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है। इवन बहन ही इज टेलिंग द ट्रुथ, और जब भी विश्वास नहीं करता है हालांकि वो सच बोल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि गडरिये ने 2 बार झूठ बोल दिया था, है ना। इसलिए जब तीसरी बार उसने सच बोला तब भी कोई भी गांव वाले उसकी मदद के लिए नहीं आए, क्योंकि सभी ने सोचा कि ये तो झूठा है, मजाक कर रहा है, शरारत कर रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारी यही शिक्षा है बेटा, नो वन बिलीव्स ए लायर, कि कोई भी व्यक्ति झूठे इंसान पर भरोसा नहीं करता है भले ही वह सच बोल रहा हो, ठीक है बेटा। तो ये हमारी स्टोरी थी, और अब हम इसके जो वोकेबुलरी वर्ड्स है बेटा इसको देखेंगे। देखिए, सेफर्ड, सेफर्ड मतलब हिंदी में मैंने आपको बता दिया गडरिया, जो भेड़ और बकरियों को चरागाहों में ले जाता है, ए पर्सन या उनकी देखभाल करता है। ए पर्सन हु कीप्स शिप, एक ऐसा व्यक्ति जो भेड़ों को रखता हो, पालता हो, ठीक है। प्रैंक, प्रैंक होता है बेटा हिंदी में शरारत, है ना। ए ट्रिक प्लेड ऑन समबडी एज ए जॉक, तो यहाँ पर है एक ऐसी चाल जो किसी के ऊपर एक मजाक हो। चेजिंग, चेजिंग होता है बेटा पीछा करना, ठीक है। रनिंग आफ्टर समवन, किसी के पीछे पीछे दौड़ना। ग्रीन, ग्रीन होता हैड ए बिग स्माइल, मतलब बिग स्माइल, एक बड़ी सी मुस्कुराहट। ग्राउंड, ग्राउंड होता है दहाड़ना, गरजना, बिल्कुल गरजना हट के साथ चिल्लाना। जानवर होते ना, जैसे लायन होता है वो क्या करता है, रोर, दहाड़ता है, ऐसे ही जो वोल्फ होता है उसकी आवाज़ को ग्राउल बोलते हैं, ग्राउल, दहाड़ना। लो साउंड मेड बाई एन एनिमल टू शो एंगर, ये होता है एक आवाज़ जो जानवर बनाता है बिल्कुल गुस्सा दिखाने के लिए। फूरियस, फूरियस होता है वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में, है ना। व्हेन द शेफर्ड लाइज, विलेजर्स बिकेम वेरी एंग्री, बिकेम फूरियस, है ना। जब वो शेफर्ड बॉय झूठ बोलता है तो जो गांव वाले हैं, विलेजर्स हैं, बिकेम फूरियस, वो फूरियस हो गए, मीन्स दे बिकेम वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए, ठीक है बेटा। तो आपकी जो असाइनमेंट है इससे रिलेटेड वर्कबुक में, उसको मैं बाद में सेंड कर दूंगी। ओके बेटा।